आज जो मोदी जी ऐश ले रहे हैं वो सिर्फ कांग्रेस के ऊपर तो ले रहे हैं, जो कुछ कांग्रेस ने किया था उस पे ऐश ले रहे हैं। मोदी कहते हैं सब हमारे राज में बना, कांग्रेस वाले 60 साल में बना दिया, मतलब 80 साल में नहीं बना, 60 साल अमृत काल चल रहा है, पहले जहर था, कुछ नहीं है, बिल्कुल आप जहर है। तो अगर लोकतंत्र खतरे में है तो इटली का बंदा आके तो यहाँ नेता बन जाता है, बांग्लादेश का आदमी आके यहाँ पे वोट दे देता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं, 2 बच्चों वाला टैक्स देता है और 12 बच्चों वाला सब्सिडी ले लेता है। टाइम होगा, इलेक्शन होंगे, उस पर ही इन्हें रिजल्ट पता चलता है सर। उससे पहले तो अपनी धाय धाय करके, अब समझ लो जो भी उनका एक आध वोट, अब दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है जी, आई अभी तक नहीं आई, लोग चाहते ही सेंटर में मोदी को है। कोई तानाशाही नहीं है, तो सरकार अपना काम कर रहा है, कानून जज क्या हमें आपको पहचानता है, वो तो कागज देखता है, कागज के आधार पर चलता है, क्या गलत है बताइए ना, अगर आप सही हो गए तो छोड़ देगा, गलत होगा तो अंदर करेगा। कागज के आधार पर राहुल गांधी की सस्ता चली गई, कह रहे हैं डर गए हैं मोदी हमसे। बिल्कुल सही नहीं, डर गए क्या, बिल्कुल कागज में पकड़े गए हैं ऑन रिकॉर्ड, इसलिए तभी तो कोर्ट ने हड़बड़ा के, आज एक आम आदमी अगर फंस जाए तो बेचारा अंदर हो जाता है, ये तो चले गए अपना लाव लश्कर लेके बेल करा ली। तानाशाही किसकी है, आप ये लो आम जनता और आप बताइए ना, तानाशाही तो इनकी है। अब आज फंसने लगे आप तो जाके वहाँ सबको ले जाके तीन मुख्यमंत्रियों को कि भैया पेश होके कि हमको छोड़ो भैया, हम जेल नहीं जाना चाहते, ये हाल है देश क्या है, मतलब इतना सारा टिम टाम करके राहुल गांधी 24 में क्या चैलेंजर हैं? कोई टिम टाम नहीं है, तो बिल्कुल सही चल रहा है, चैलेंज है। जो आदमी देश से शुरू से अपना बेचारा घर में एक जोड़ी कपड़े निकला था, चाय बेच के आज वो पहना है, उसको मालूम है आम आदमी की समस्या क्या है। मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और इस तरीके की सरकार जो है इस लोकतंत्र को जो है खराब कर रही है, तो मैं तो सीधी सी बात पूछना चाहता हूँ, अगर लोकतंत्र खतरे में है तो इटली का बंदा आके तो यहाँ नेता बन जाता है, बांग्लादेश का आदमी आके यहाँ पे वोट दे देता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं, 2 बच्चों वाला टैक्स देता है और 12 बच्चों वाला सब्सिडी ले लेता है, तो आप बताइए लोकतंत्र कहाँ खतरे में है सर, बताइए लोकतंत्र यहाँ बताइए, लोकतंत्र है तभी तो ये सब कुछ हो रहा है सर, वरना सीधा सीधा आप ये बताइए कि बाहर से बंदा आके नेता बनना है, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, दूसरी कंट्री से आके जो है वोट दे देता है और उस 2 बच्चों वाला टैक्स दे रहा है और 12 बच्चों वालों को सब्सिडी मिल रही है, तो बताइए लोकतंत्र है ना? अगर प्रजातंत्र होता तो ऐसा कभी होता कि 2 बच्चों वाला टैक्स दे रहा और 12 बच्चों वाला सब्सिडी ले रहा है, बाहर का कैसे दे देगा? आप मुझको ये बताइए, जब पहले का आपका शासन आपके हाथ में आया था, सोनिया गांधी जी को स्वयं विराजमान होना था ना पद पे, क्यों नहीं आप प्रधानमंत्री बने, दूसरे को क्यों बनाते हो आप? अरे स्वयं बनो ना, आप स्वयं निर्णय लो, अगर आप देश हित की बात और लोकतंत्र की बात करते हो तो ये क्या है कि आप दूसरे को बैठा बैठना चाहते हैं राहुल गांधी, अब क्या बैठना, अब जो आदमी जिसको सही लगेगा, जहां नाव हमारी सही चलेगी, जहां हमको झटके नहीं लगेंगे आदमी वहीं तो सही बैठ के चलेगा ना, हम नाव में सही चल रहे हैं आम जनता, बिल्कुल क्या भाजपा की नाव ठीक चल रही है, बिल्कुल सही चल रही, जितने घोटाले किए हैं लोगों ने सब जेल के अंदर हैं, चाहे वो संत हो चाहे प्रतिनिधि हो, बता दो आप, कोई इसके पहले कभी नहीं हुआ ऐसा, बिल्कुल सरकार बिल्कुल अपने हिसाब से कर रही है। जी कहते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, अब मेरे को एक बात बताइए, हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है, 140 करोड़ एक आदमी को चुन के लाए हैं, तो 140 करोड़ में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा अनपढ़ है क्या हमारे देश के अंदर, ये बताइए मेरे को, जब हम चुन के लाए हैं उनको और पढ़े लिखे हैं तो सारे बेवकूफ़ हो गए क्या, सारे ही अनपढ़ हो गए क्या, पूरी जनता को ही कह रहे हैं वो, तो पूरी जनता को वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक अकेले वही पढ़े लिखे हैं इस 140 करोड़ में, उनके कंपेरेटिवली कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जनता का विरोध करके मतलब कहने का है कि उन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान नहीं करा, उन्होंने 140 करोड़ जनता का अपमान करा है, क्या ये अपमान करके जनता उनका समर्थन करेगी, जनता का वो तो सर जब टाइम होगा इलेक्शन होंगे उस पर ही इन्हें रिजल्ट पता चलता है सर, उससे पहले तो अपनी धाय धाय करके, अब समझ लो जो भी उनका एक आध वोट, अब दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है जी, आई अभी तक नहीं आई, लोग चाहते ही सेंटर में मोदी को है, आपको राज्य का अगर मान लो चीफ मिनिस्टर बना दिया तो सिर्फ यही देख के तो बनाया कि आपने बड़ी बड़ी बातें करी थी, ये देखा था कि भाई आपका मन सच्चा है, आप सच्चे मन से काम करोगे, लेकिन हमें तो ये दिखा कि सिर्फ आपका मन सच्चा नहीं है, आपको तो सिर्फ सत्ता चाहिए थी, आपको सिर्फ एक अय्याशी चाहिए थी, शौक चाहिए था, क्योंकि क्या बिजनेस था उनके पास, उन्होंने सोचा इससे बड़ा करें, उससे बड़ा करके लोगों को जो है बड़ी बड़ी जो है चीज़ें दिखाई, लोगों ने दे दिया, क्योंकि जनता तो हमारी सीधी है, वो तो जो उनके हित में बात करती है बेचारी उसे ही दे देती है, ठीक है, मैं आपका सब समझ, इन्होंने एक बात कही, कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी और तमाम लोग बोल रहे हैं वो 140 करोड़ लोगों का अपमान है, तो क्या उस अपमान के बाद जनता समर्थन करेगी राहुल गांधी? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्या गलत है, आप विदेश में जाके, आपका जब शासन था आपने क्या किया,
अब तो सवाल ये है ना, भारत अब हम आप दोबारा अब हम कैसा शासन क्यों लाने चाहेंगे कि जो हमारे लिए समस्या बने, युवाओं के लिए समस्या बने, देश की समस्या बने। ऐसा तो मैं नहीं समझता कोई दोबारा ऐसी स्थिति लाना चाहेगा। आपके पास जब शासन था तब आपने ध्यान नहीं दिया, तब तो आपने कभी ये बातें नहीं कही। अब विदेशों में जाके आप जब शासन अच्छा चल रहा है तो हमारा देश का अपमान कर रहे हो, तो इसमें सब सवाम जनता का, इस देश का, राष्ट्र का अपमान तो कहलाया ये बिल्कुल। एक बात हम कहें, आप लोग बुरा मत मानिएगा, अभी मैं कुछ लोगों से और बात कर रहा था तो उन्होंने कहा ना, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि हाँ भाजपा सही है कांग्रेस गलत है, वो आप लोगों को अंधभक्त की कैटेगरी रखते हैं। तो मैं अगर समझना चाहूँ जो अंधभक्त कह दिया जाता है, जैसे राहुल गांधी कोई समर्थन करे तो कहते हैं भाई अरे बड़ा अच्छा आदमी है, सब चीज़ अच्छा है, केजरीवाल का करे तो बड़ा अच्छा आदमी होता है। जैसे भाजपा की बात आती है टर्मिनोलॉजी क्यों डेवलप कर दी गई कि भाई अंधभक्त है? अब मैं बताता हूँ आपको, मैं ये नहीं कहता कि मैं भाजपा पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ, पार्टी का नहीं, विचार मैं पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा, जो पद पे बैठा है प्रधानमंत्री मोदी उसका समर्थन कर रहा हूँ। आपका यूपी के अंदर योगी बना हुआ है, मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि जो उनकी सारी पार्टी के नेता है वो सब इन्हीं के जैसे हैं, मैं नहीं उनका समर्थन करता। मैं तो इन दो बंदा, ये दो बंदे हैं जिनकी वजह से काम हो भी रहा है, जिनका एक डर है जिसकी वजह से काम हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि ये पार्टी में नहीं होंगे तो पता नहीं कल को ये ऐसा भी काम होगा कि नहीं होगा, भाजपा करेगी कि नहीं करेगी। तो मैं तो इन दो बंदों को कहता हूँ कि जब तक मोदी बैठे हैं तो हमारा वोट तो तब तक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि बंदे ने काम करके दिखाया 9 साल के अंदर। हमने ऐसा नहीं है कि सबको ही वोट दिया है, कांग्रेस को भी दिया है, आम आदमी को दिया है, बीजेपी को दिया है, लेकिन हमारा वोट उस आदमी के लिए जाता है जो काम करता है। आपको लगा कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल वोट आपका वैल्यू जो मिली वो बीजेपी में? ठीक है, आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, उसके बाद चर्चा को समाप्त करते हैं। सवाल यही है कि 2024 में जो चुनाव होगा, क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष में कोई है जो खड़ा हो रहा है? देखिए विपक्ष वाले तो हमेशा ये कहते हैं कि इनको नहीं जिताना है, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। आप अपना मुद्दा रखो ना कि हम इतने युवाओं को रोजगार से बेरोजगारी से निकालेंगे, रोजगार देंगे इस देश को, हम ये योजनाएं देंगे, ये बातें रखो ना। ये इकट्ठे बैठ के बोल देते हैं इसको नहीं लाना है, ये क्या बात हुई भाई? ये तो आप रोजगार और बेरोजगारी की बात तो ऐसी है कि हिंदुस्तान में 24 साल तक का लड़का तो वैसे ही बेरोजगार रहता है, क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। अग्निवीर बनाई है 21 साल तक का तुम्हारे हाथ में, जब रिटायर होगे तो कम से कम 25 से 30 लाख रुपए आएंगे आपके पास, एक सर्टिफिकेट आएगा। प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी आप जाओगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, नॉर्मली बात है। अगर किसी बैंक का गार्ड भी बनोगे तब भी 30-35 हज़ार रुपये तुम्हारी तनख्वाह हो जाएगी उस सर्टिफिकेट के आधार पर। फिर और 21 साल तक का मैं बताया ना, 24 साल तक का तो वैसे ही बेरोजगार रहता है, 21 साल तक की उम्र में तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, आप एक काम कर सकते हो, अपना काम भी कर सकते हो। वरना 21 साल तक के, मैं खुद कहता हूँ कि 17 साल की उम्र में अगर अग्निवीर में जो बंदा लग गया, अपने ही साथ के लोगों को देख लेना, 21 साल के बाद में जितने पैसे आपके हाथ में आ जाएंगे उतनी तरक्की उसने करी कि नहीं करी जीवन में, ये देख लेना। राहुल गांधी ने इसका भी विरोध किया था, अग्निवीर का कह रहे थे ये युवाओं सर वो तो करेंगे ही ना, हर तरीके से करेंगे सर, उन्हें आना है। वो तो आप मोदी चाहे कितना भी अच्छा काम करे, कितना भी अच्छा काम करे, अपोजिशन कभी कह ही नहीं सकती कि ये काम उसने अच्छा करा। बताइए आज तक कभी भी कोई पार्टी हो अपोजिशन वाले कभी एक काम के लिए कहोगे मोदी जी ने ये अच्छा करा है, फलाना पार्टी ने अच्छा करा, ये केजरीवाल ये अच्छा करा, कभी कोई कह ही नहीं सकता सर, कह ही नहीं सकता, एक काम को नहीं कहेगा कोई। राहुल गांधी की क्या पवन चलने वाली है 2024 में? नहीं नहीं सर, कोई समीकरण नहीं है सर। इधर आइए, क्यों नहीं समीकरण है सर? आप ये बताइए कि हर राज्य से तो कांग्रेस खत्म हो रही है, अब आप बताइए लोकसभा में कहाँ से लाएंगे वो सीटें? लोकसभा का समीकरण क्या होता है आप बताइए मेरे को? जब तक आपकी राज्य में ही कोई पावर नहीं हो रही है फिर तो लोकसभा में कहाँ से आ जाएंगे सर? तो ये जो तैयारी इनकी है, भारत जोड़ो यात्रा रही, अभी सत्यमेव जयते निकालने जा रहे हैं, कह रहे भाजपा वाले डर गए हैं। सर ये भी एक व्यापार होता है, मैं बताऊं राजनीति सीधी सी बात है, जिसका व्यापार खत्म हो रहा होता है वो तो किसी ना किसी तरीके से अपनी नई अपडेट चीज दिखाएगा कि जी सामने वाले का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है तो उस व्यापार को कैसे फेल किया जाए। तो व्यापार वाली बात है, उन्हें सत्ता चाहिए, वो बंदा ऐसा है कि सही बंदा बैठा हुआ खजाने पे, वो सोच रहे हैं कि हम फटाफट से आए और इसको नीचे लाएं और खजाने पे आके बैठे और राज करें। मोदी सही है, मोदी बहुत बड़े आदमी है। खजाना जो कह रहे हैं ना, कह रहे हैं खजाना अडानी के हाथों लुटवा दिया जा रहा है। नहीं नहीं सर, वो अगर लुटवा रहे हैं तो उसका विकास भी कर रहा है, पैसा वो देश में ही लगा रहा है, बाहर नहीं जा रहा। जैसा कि एक मैं सीधी सी एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इस पे पैसा खर्च करना चाहिए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मंदिर की क्या जरूरत है। आप बताइए मंदिर से क्या रोजगार नहीं होगा? अगर आप अयोध्या में मंदिर बनता है तो आपकी देखने की इच्छा करेगी, सबसे पहले आप ट्रेन की टिकट लेंगे, ट्रेन की टिकट लेंगे, उसमें एक चार्ज ऐसा होता है जो गवर्नमेंट के खाते में जाता है, ठीक है जी। वो जब वो चार्ज जाएगा तो देश के विकास में लगेगा वो चार्ज, ठीक है जी। अब दूसरा लेवल आ जाओ, आप अयोध्या पहुंचे, एक छोटा मोटा रिक्शा भी करेंगे आप, उस बंदे को रोजगार मिला, ठीक है जी। आप सीधे मंदिर के पास पहुंचे, वहां पे फूल वाला, प्रसाद वाला, ये वाला, वो वाला, इनको भी रोजगार मिलेगा, आप कुछ ना कुछ खरीदेंगे, ठीक है जी। प्रसाद वाला GST देता है, आप मंदिर में जाएंगे चढ़ावा चढ़ेगा, फिर वो पैसा
कुछ परसेंट जो गवर्नमेंट के खाते में जाता है मंदिर के द्वारा, जाता कि नहीं जाता, वो फिर समाज के विकास में लगता है। फिर क्यों कहते हैं लोग इस बात को, ये बात कैम्ब्रिज में पढ़े हुए राहुल गांधी को समझ का ही नहीं आ रही। सर वो ये चीजें बता देगा तो पब्लिक का जो है माइंड कैसे डाइवर्ट करेगा कि मुझे लाओ। साफ साफ चीजें बताए ना कि मंदिर बनने से लोगों को ये फायदे भी हो रहे हैं और ये नुकसान भी हो रहे हैं। सीधी सी बात, एक विषय तो ये है कि ब्लड जो होता है, खून जिस देश में जहाँ वो पैदा होता है उसका खून वहीं वो समझ सकता है। सब प्रथम बात तो आप ये चीज समझिए, ठीक है राहुल गांधी जी, वो तो कहते हैं थोड़ा आगे। एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, एस्कॉन टेम्पल है, कितने लोग जाते हैं और कितने लोग जुड़ रहे हैं? बहुत लोग हैं। पैसा कहाँ जाता है? सारा अमरीका जाता है सर, एस्कॉन टेम्पल का पैसा सारा का सारा। ये कितने लोग जानते हैं बताइए मेरे को आप? आप मैं ये बताता हूँ कि मेरे घर में एक छोटा सा जागरण हुआ तो मेरे फ्लोर पे जो है एक पेंटर था, पेंट कर रहा था, जाते हुए जिसकी भिहाड़ी 500 रुपये 600 रुपये होती है वो भी जो है 100 रुपये चढ़ा के चला गया। तो आज के टाइम में जो है आस्था के नाम पे भी बड़ा पैसा जाता है, तो लोग वह उधर डाइवर्ट हो रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये पैसा हमारे राज्य में रह जाएगा और ये बाहर जाएगा। तो एस्कॉन टेम्पल की भी मैं बता रहा हूँ आपको, पैसा जितना भी होता है वो सब अमेरिका जाता है। मैं अगर आपसे समझना चाहूँ, मुझे लग रहा है आप चंदन वंदन लगाए हैं बढ़िया से, तो बढ़िया से बोल लेंगे राहुल गांधी को लेकर के, बिल्कुल वो लगना चाहिए। तो राहुल गांधी जी का भविष्य आपको क्या नजर आता है? देखिए प्रथम बात तो मैं ये कहूँगा कि आज से पहले जो सरकारें थी ये जितने लोग हैं सब पैसा खा जाते थे आम जनता का, किसी को पता नहीं था कि ईडी सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर क्या होता है। आज जब ये सब लोग फंस रहे हैं तो इनको सरकारों को बोलने हैं कि ये गलत है, आम जनता का पैसा ही तो घोटालों में खाया है इन्होंने पिछली सरकारों ने। बताइए ना आप, आज से पहले जो सरकारें थीं कभी जांच नहीं हुई, लालू ने घोटाला किया, कितने लोग हैं अब गिनती कराएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अब जहर है, अब जहर है, अब जहर है। अच्छा, क्या इस जहर से राहुल गांधी निकाल पाएंगे? नहीं, राहुल गांधी क्या, वो तो बहुत सारे नेता तैयार है अब निकालने के लिए, बहुत सारे हैं, केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, सब सब है। ममता बनर्जी को क्यों ले रहे हो? ममता बनर्जी, ममता राहुल मिलके मोदी को बाहर, हाँ ये सब सोच रहे कर लेंगे, कुछ ना होगा इनसे, कुछ ना होगा। हम भी जो लोग देखिए अभी अनुभक्त जो है ना वो कहते हैं 500 रुपए किलो आटा बिकेगा जब भी हम मोदी मोदी कहेंगे। ऐसा क्यों है? मतलब राहुल गांधी के लिए नहीं, नहीं क्यों कहना चाहिए? ये अनुभक्त है, अनुभक्त नहीं होना चाहिए किसी का भी, राहुल गांधी का भी नहीं होना चाहिए, अनुभक्त नहीं होना चाहिए। देश कहाँ जा रहा है देश को देखना चाहिए। भक्त किसे कहते हैं? भक्त वही तो है, 500 रुपए किलो आटा बिकेगा और 300 रुपए किलो पेट्रोल। छोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी यहाँ से यात्रा समाप्त करी थी, आप उस न्यूज में पूरा देखो, इस देश की शान पे उन्होंने भारत माँ की जय, एक बात ने किसी ने उनके पार्टी के नेता ने भारत माँ की जय बुलाया है यहाँ पर, बुलाया है आपने भारत माँ की जय, सब बुलाते हैं भारत माँ की जय, सब बुलाते हैं। वो एक बात, हमारा सवाल ये है कि डेवलपमेंट जो मोदी सरकार दावा करती है क्या कौन सा है? सारी मीडिया जो है ना वो अंधभक्त है, अंधभक्त है, अंधभक्त है सारी मीडिया, इसलिए आदमी मीडिया को भी लपेट लिया और क्या। आप जो नहीं, आप जो सारे पांच गलत काम बताइए जो सरकार सारे गलत है, पांच गलत काम राहुल ही नहीं। चाचा रुकिए, अरे आ रहे हमारा सब, चाचा आप पांच गलत काम बताइए जो इस सरकार में हुए। क्या सही हुआ ये बता दीजिए आप, बता दीजिए क्या सही हुआ, आप पांच बताओ।